हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, जिसकी आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इससे पानी के साथ साथ बिजली की भी बचत होती है। जैसा कि गाइस आपको पता है, बहुत जगह आजकल लाइट और पानी की काफ़ी दिक्कत है, तो उस जगह पर ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है, आपको बार बार बंद और चालू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस करते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइस ये हमें मिलता है इमेजिन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो कि एक सर्टिफाइड कंपनी है और ये मेड इन इंडिया है। तो अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जो कि इंस्टॉलेशन के वक्त काम आएगा। इस पर काफ़ी सारी डिटेल दे रखी है कि कैसे इंस्टॉल करना है, और ये 3 सेंसर जो कि टैंक में लगेंगे, और 1 वाटर लेवल कंट्रोलर, और एक वारंटी कार्ड जो कि 1 साल की गारंटी है। तो गाइस इस पर आप देख सकते हो ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई है, और एक स्विच है जिसकी हेल्प से हम इसे ऑटो और मैनुअल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, और बीच में रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस पे सेंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितना कौन सा वायर कहाँ लगेगा। इस पे 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं, जो कि हमें बताएंगे कि टैंक खाली है या भरा हुआ, और मोटर ऑन है या वो। दिखने में ये थोड़ा छोटा है, लेकिन बड़े काम का है। तो अब इसे इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो गाइस हम इसको फिटिंग कर रहे हैं। जैसे ये नॉन सॉक सेंसर है, इसको हमें टंकी में लगाना है, जिसे अलग अलग लेवल पर होता है। जैसे हमने ग्रीन वाला लगा दिया है, उसको कम से 75% पे लगाना होता है। और जैसे हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, और ये जो रेड वाला है, इसको हमको 50% पे लगाना होता है। जैसे कि हम इसको यहाँ तक लगा देंगे, तो गाइस हमने रेड वाले को भी 50% पे लगा दिया है, मतलब 75% पे लगा दिया है। और ये जो ब्लैक वाला सेंसर, इसको हमको जहाँ लगाना है, जहाँ पे टंकी भर जाए और मोटर बंद हो जाए, ऐसी जगह पे लगाना है। तो कम से कम आपको यहाँ तक लगाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको, तो यहाँ बाहर से मैं लेवल नाप लूँगा इसकी, जैसे कि यहाँ पे टंकी फुल हो जाएगी। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा। तो गाइस हमें ब्लैक वाले को भी लगा देते हैं। जैसे हमने इसको अंदर डाल दिया और इस छेद में से बाहर निकाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 छेद किए, जो तीनों में से एक एक वायर को बाहर निकाल दिया, और ऊपर की ठान लगा दी, जिससे हमें अंदाजा रह जाएगा भाई कितना डाउन गया है। जैसे गाइस ये हमने वायर को कनेक्ट करना है, और हमें ये नीचे तक पहुंचाना है, जहाँ पे हमें वाटर लेवल कंट्रोलर फिट करना है, जहाँ तक वायर पहुंचाना होगा तीनों का, और फिर उसमें फिटिंग करेंगे। जैसे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे आपको भी कनेक्ट करना है। जैसे एक ग्रीन वाले में कर दिया ब्लैक को, और रेड वाले में कर देंगे इस ब्राउन वाले वायर को, और ये जो नील ब्लू वाला वायर है, उसको हम ब्लू वायर से कनेक्ट करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा परेशानी न हो। जैसे गाइस हमने इन तीनों वायर को कनेक्ट कर दिया है, और हम यहाँ पे तीनों वायर को कनेक्ट कर दिया है, और हमें इनको नीचे तक पहुँचाएंगे, जहाँ पे हमें वाटर लेवल कंट्रोलर लगाना है। तो हमने वो इस साइड पे नीचे पहुँचाना है हमारे होम में। जैसा कि गाइस हमने इसको ऊपर से लाके ये यहाँ पे पूरा कनेक्ट कर दिया, इसको हमने यहाँ दीवार पर फिट कर दिया ऑटो वाटर लेवल कंट्रोलर को, और ये वायर इसमें कनेक्ट कर दिया, जैसे ग्रीन रेड और ब्लैक वाला था, जिसको हमने इनमें कनेक्ट कर दिया। और इनपुट वाले में हमें लाइट से कनेक्ट करना है, और जो आउटपुट वाला है, इसमें हमें ये बॉक्स से इसका मोटर का इसको वायर कनेक्ट करना है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक काम करेगा। और गाइस जो है आप ऊपर से वायर ला रहे हो, ऊपर से नीचे, जैसे ब्लैक में पूरा ब्लैक वाला ऊपर देख के यहाँ पर लगाना है। अगर ऊपर नीचे लगा दिया आपने, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, आपकी मोटर कभी भी बंद चालू हो जाएगी, ऐसे कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो इनको ध्यान रखें, जो वहाँ पे ब्लैक वाला लगाया उस लेवल पे ये ब्लैक वाले में लगाएं, और जैसे ग्रीन वाला बीच में लगाया है, इसमें को बीच में ही लगाएं इस वायर को, और जो रेड वाला है उसको रेड वाले में ही लगाएं। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी,
और यहाँ पे आउटपुट वाला मतलब जैसे कि ये जो मोटर का बॉक्स है इसके वायर कनेक्ट करने हैं, और ये जो येलो वाले हैं इसको हम लाइट में कनेक्ट करेंगे उधर। तो हम अभी आपको इसको चला के दिखाएंगे कैसे ये काम करता है और कैसे क्या होता है इसमें। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी G1 पर है, मतलब ये अभी टैंक आधा भरा हुआ है, और फुल नहीं भरा हो तो ये ऊपर वाला, मतलब अगर ये फुल होता ना तो ये B1 पे जो रेड लाइट है वो ऑन हो जाती। अभी ये G1 वाली ऑन हो रखी है जिसके मतलब टैंकी आधी भरी हुई है, और जब ये रेड वाले पे आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगी मोटर, तो टैंकी वापस भर जा। तो गाइस देखो आप, ये ग्रीन लाइट जो ब्लिंक हो रही थी वो अब रुक गई है, और ये जो मोटर में जो बॉक्स में जो रेड लाइट है वो ऑन हो गई, इसका मतलब है मोटर ऑन हो गई। तो गाइज आप ऐसे थोड़ी देर में जो टंकी फुल हो जाएगी तो उसमें ऑटोमेटिक वापस मोटर बंद हो जाएगी, तो आपको इसमें कुछ भी बंद करने की और नहीं चलाने की ज़रूरत है, आपके इसमें पानी की बचत होगी और लाइट की भी बचत होगी। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।